यहाँ पर अभी आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड ड्राइंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर चल रहा है। यहाँ पर मैम उन्होंने बता रहे हैं कि एआरडी की शीट्स कैसे रिप्रेजेंट होगी। जो हमारी एआरडी की A2 की शीट्स होगी वो ऐसे रिप्रेजेंट होगी। ये एआरडी शीट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस है कि कैसे नंबर्स लिखना है, अल्फाबेट्स लिखना है, जो हायरार्की ऑफ लाइंस है, कौन सी लाइन पे कौन सी पेंसिल्स यूज होगी, वो सब इसमें। पीछे जो आपने क्लिप देखे वो ये था कि आर्किटेक्चर में हम लोग शार्पनर नहीं यूज़ करते ज़रा भी नहीं। तो अभी फिलहाल हम सीख रहे थे कि कटर से पेंसिल को शेप कैसे करना है, तो प्रॉपर उसका नीडल आए जिससे हम ड्राइंग कर सके प्रॉपरली। HB पेंसिल थी वैसे वो, और स्टेडलर की थी। तो ये ध्यान रखना कि जितना हो सके स्टेडलर यूज़ करो, और कैमलिन अप्सरा या दूसरा कोई भी डॉम्स का मत लेना, क्योंकि उसका वुड बहुत सॉफ्ट रहता है तो आएगा ही नहीं, टूट जाएगा, निडल ही टूट जाएगा। ग्रेफाइट उसका बहुत वीक रहता है। तो पूरी क्लास में फिलहाल वही चालू है, क्लास का भी एक क्लिप बताता हूं आपको। AID का जो असाइनमेंट मिला है हमें वो होगा 2 शीट वर्टिकल लाइन, 2 शीट हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 शीट डायगोनल लाइन, और जो बाकी 4 शीट्स होगी उसमें तीनों का ग्रिड लाइन। इन टोटल हमें 10 शीट A4 की सबमिट करना है नेक्स्ट वीक में।